बलौदा बाजार राज्य कृषि कल्याण परिषद के अध्यक्ष बनाए जाने पर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा के निवास के सामने जिले भर से आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर फटाके फोड़े और भूपेश बघेल जिंदाबाद, सुरेंद्र शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखे और अपने नेता को बधाई देते रहे। इस नियुक्ति पर सुरेंद्र शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री शिव डहरिया, करुणा शुक्ला सहित सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं का आभार व्यक्त किया और कहा उन्हें सरकार द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी वह पूरी सक्रियता से निर्वहन करेंगे और अपने विभाग के साथ साथ सरकार की हर जन हितैषी योजनाओं का लाभ हर कृषक मजदूर तक पहुँचाते रहेंगे। इस अवसर पर बधाई देने पहुँचे कांग्रेस के सुनील महेश्वरी, सतीश शर्मा, के वर्मा, संदीप पांडे, संतोष यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। डीएनएक्स टीवी के लिए बलौदा बाजार से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रदेश की सरकार ने छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमको छत्तीसगढ़ किसान कल्याण परिषद का अध्यक्ष बनाया है। सबसे पहले मैं इसके लिए प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सम्मान्य पीएल पुनिया जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मान्य अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, हमारे मंत्री आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, कृषि मंत्री सम्मान्य रविंद्र चौबे जी और हमारे साथ काम के हुए श्री विनोद वर्मा जी, राजेश तिवारी जी और श्रीमती करुणा शुक्ला जी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सब लोगों ने मिलजुल के प्रयास किया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और छत्तीसगढ़ की सरकार जब से बनी है तब से सरकार के मुख्य निशाने पे किसान हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ 80% से अधिक किसानों का प्रदेश है। किसानों की स्थिति के सुधरने से छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति आप ही आप सुधरती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी तरह से अपनी योजनाओं को केंद्रित रखा है किसानों के विकास के लिए। तो इसमें किसान कल्याण की जो जिम्मेदारी है, किसान के विकास की जिम्मेदारी है, मुझको पार्टी ने मुझको दिया है, मेरी सरकार ने मुझको दिया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है मेरे अंदर। मैं पूरा प्रयास करूँगा तमाम यहाँ के कृषकों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से कि छत्तीसगढ़ के किसान उन्नतशील हो सकें, विकसित हो सकें, संपन्न हो सकें और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य संपन्नता की ओर अग्रसर हो सके।